तो हेलो साथियों, राम राम। आज 15 अगस्त का ये दिन, तो सुबह से बारिश झमाझम पड़ती है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने इस माटी खातिर अपनी कुर्बानी कर दी। और चिड़ियां भी चहक रही थी और अपने आसनों से लगातार बाहर अंदर कर रही थी। तो आप सभी लोगों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने भी उठाई अपनी फटफटिया और निकल पड़ा अपने ऑफिस की तरफ, क्योंकि हमें भी मनाना था स्वाधीनता दिवस। यहाँ पर मामा मिले और पहुँच पड़ा मैं मिठाई दुकान में। तो लड्डू जो बांटे जाते हैं आपको पता है, तो लड्डू मैंने यहाँ पैक कराए और पहुँचा अपने कार्यालय में। तो देखिए, सब जगह तिरंगा तिरंगा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सब कुछ तैयारी हो गई थी, ईओ साहब का वेट सभी कर्मचारी कर रहे थे। और जैसे ईओ साहब आने वाले थे, हम लोग मिलके सामूहिक ध्वजारोहण यहाँ पे नगर पंचायत किरनर के कार्यालय में करने वाले थे। ईओ साहब आए और देखिए, जैसे ही ध्वजारोहण हुआ, हम सब ने मिलके राष्ट्रगान किया और भारत माता के वीर सपूतों को नमन किया। उसके बाद जो लड्डू हम लाए थे, सभी ने मुँह मिठाई किया और आज़ादी का ये पर्व धूमधाम से मनाया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े सीधे आगे। और साथ में आप लोग बता दूं कि हमारे किरनर में शहीद स्मारक, जहाँ पे शिलापट रखा गया है, और ये देखिए वो शिलापट है जिसमें उन तमाम वीरों के नाम है किरनर के, जिन्होंने इस माटी के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यहाँ पे पुलिस बल की टीम और साथ में तहसील परिसर के, नगर पंचायत के और तमाम सभी स्टाफ यहाँ पे पहुँचा है। और सभी लोग मिलके सामूहिक रूप से यहाँ पे फिर से ध्वजारोहण करने वाले हैं और एसडीएम मैम का इंतज़ार। और ये देखिए सलामी होती हुई, और सलामी के बाद साथियों राष्ट्रगान हुआ। और उसके बाद एसडीएम मैम के साथ मिलकर सभी लोगों ने उन वीरों को नमन किया जिन्होंने इस माटी के खातिर अपने लहू लुहान किया। और मैडम ने अभिवादन अपना यहाँ पे संबोधन यहाँ पे किया। उसके बाद फिर से लड्डू थे, जो लड्डू को हमने बांटा, खूब खाया, सबको खिलाया, आस पड़ोस में सबको, बच्चों को सबने मुँह में ढकिया। उसके बाद देखिए, हेलो दोस्तों, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमने तिरंगा लहराया, हमने भी जय हिंद किया। और उसके बाद भैया, आज तो हम स्वतंत्र है भाई, आज़ादी का पर्व मना रहे हम लोग, पहुँच पड़े बिलकेदार। ये देखिए यहाँ पे रास्ता अवरुद्ध होने के कारण गाड़ी यहीं पे लगाई। और ये देखिए यहाँ पे हम जाने वाले, तो कहाँ जाने वाले आप लोगों को बता दूँ, पहले हौले हौले हम आगे बढ़े। तो देखिए भाई, हमारे जो हड़ता करता है सब कुछ यहाँ पे हम लोग बैठने वाले थे। हाँ हाँ, सो सकते आप लोग, कुछ तूफ़ानी हम लोग करने वाले थे, तूफ़ानी ऐसे कुछ करने वाले थे, कपड़े उतार के भाई नहाने वाले थे। और सारी जितनी गर्मी हम पे चढ़ी है, सारी हम उतारने वाले थे इस स्विमिंग पूल में। तो देखिए, जैसे हम लोग स्विमिंग पूल पहुँचे, तो आपको पता है कुछ होते हैं ऐसे उग्रवादी, देखिए कुछ अपनी बीमारियों से बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे देखिए तोड़ फोड़ वहाँ करने लग जाते हैं, कुछ ऐसे घूमने लग जाते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला। तो एक एक करके डुबकी लगी भाई, देखिए दीपा भाई कूदा, सरदा भाई का मेड़ू देगा, जन मेड़ू नहीं होगा वो तुम। तो देखिए भाई, और फिर मैं भी गया पानी में, और ये तो मगरमस्त गया ना, तो पानी का थोड़ा गर्मी में थोड़ा राहत मिली हमको। और सारी गर्मियाँ में पंत भाई, देखो हमारे सबसे बुजुर्ग हमारे बीच, लेकिन फुल आनंद लेते हुए, हमसे भी युवा है, और फिर फुल फपके के साथ, और फिर लास्ट में पूरी मौज मस्ती करने के बाद चल पड़े हम घरों के लिए। बाय बाय टाटा, बाय बाय, हमने मिल के आप लोगों को किया। सरदार भाई देखे इंजन थकना ही, वो क्या लोग जाड़कर आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब ऐसे चढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद नहाने के बाद बड़ी थक लगती है।